आपको पता है कि WBS का क्या मतलब है? वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम, फैब्रिकेशन विषय में खुशामदीद। आज हम करेंगे वेल्डर का इंट्रो सेशन, तो आपने वीडियो तवज्जो से देख लिया है। आप रेडी हैं इंटरव्यू के लिए? आपको पता है कि वेल्डिंग क्यों करते हैं? वेल्डिंग सिमिलर और डिसिमिलर मेटल को परमानेंट जोड़ने ज्वाइन करने के लिए वेल्डिंग करते हैं। अच्छा, वेल्डर किसे कहते हैं? एक कारीगर मशीन के करंट को सेट करके फिल्म जीरो के प्रेशर को महारत से कंट्रोल करके दो हाथों को परमानेंटली बगैर किसी नक्स के जोड़ने को वेल्डर कहते हैं। बगैर किसी डिफेक्ट के परमानेंटली ज्वाइन करता है उसे वेल्डर कहते हैं। आपको पता है कि वेल्डिंग किन प्रोसेस के जरिए की जाती है? स्मार्ट फका टिक मिक सा। अच्छा, आपको पता है SMAW का क्या मतलब है? शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। अच्छा, इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड। अच्छा, आपको वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के साइज पता है? यस, 2.5 मिलीमीटर, 3.2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। अच्छा, आपको पता है कि WBS का क्या मतलब है? वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। अच्छा, आपको पता है कि PQR का क्या मतलब है? प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। अच्छा, आपको पता है WPQR इसका क्या मतलब है? वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। अच्छा, आपको पता है कि वेल्डिंग ज्वाइंट कितनी टाइप्स के होते हैं? 5। कौन कौन से? बटर ज्वाइंट, केज ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, एज ज्वाइंट। अच्छा, आपको वेल्डिंग पोजीशनों का पता है कौन कौन सी होती हैं? लैप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड। अच्छा, इसके बाद आपको ये पता है कि 1G और 1F में क्या डिफरेंस है? 1 से मेरा फ्लैट। अच्छा, और F से मेरा फिलर। अच्छा, और G से का ग्रूव। अच्छा अच्छा, अब ये जो ज्वाइंट है ये कौन सा ज्वाइंट है? बट ज्वाइंट। अच्छा, ये बट ज्वाइंट है, आपको कैसे पता चला कि ये बट ज्वाइंट है? गैप और गैबल है। अच्छा अच्छा, अब ये कौन सा ज्वाइंट है? ये वाला, ये टी ज्वाइंट। अच्छा, ये टी ज्वाइंट है, और ये वाला ज्वाइंट कौन सा है? लैप ज्वाइंट। अच्छा, अब ये कौन सी पोजीशन में है? 1F। अच्छा, और ये कौन सी पोजीशन में हो जाएगा? 2F। और ये कौन सी पोजीशन में होगा? 3F। और अच्छा, अगर ये आपको हो जाए मेरे सर से तो फिर ओवरहेड। अच्छा, ओवरहेड। अच्छा, इसके बाद आपको बट ज्वाइंट के हिस्सों के पार्ट्स के नाम आते हैं? जी। कौन कौन से हैं? बट ज्वाइंट के हिस्सों के नाम, रूट फेस, रूट गैप, गैबल। अच्छा अच्छा, ये वाला ज्वाइंट कौन सा है? कॉर्नर ज्वाइंट। ये वाला कॉर्नर ज्वाइंट है। आपको पता है कि पाइप की जो वेल्डिंग पोजीशन है आपको पता है? जी। कौन कौन सी है? 1G, 2G, 5G, 6G। अच्छा, ये पाइप है आपके पास, तो आप बताएं कि 1G पोजीशन किस तरह होगी, 2G, 5G और 6G? ये 1G है। अच्छा, तो पाइप रोटेट होगा, वेल्डिंग हम करते जाएंगे। अच्छा, पाइप को रोटेट करेंगे? यस। और 2G में किस तरह होगा पाइप? 2G पाइप इस तरह होगा, घूम कर वेल्डिंग करेंगे। अच्छा, और इसके बाद 5G में? 5G में इस तरह पाइप होगा। अच्छा, तो घूम कर वेल्डिंग, यानी कि जॉब है जो आपकी पाइप है ये फिक्स होगा? फिक्स होगा। अच्छा, और 6G में? 6G में 45 डिग्री में, 45 डिग्री 45 डिग्री में होगा। पाइप को रोटेट करेंगे कि वेल्डर घूम के? वेल्डर घूम कर वेल्डिंग करेंगे। अच्छा, आपको पोलैरिटी के बारे में पता है? स्ट्रेट ग्रैंडिस, रेस्ट ग्रैंडिस, स्ट्रेट पैन, डायरेक्ट कांट, इलेक्ट्रोड नेगेटिव, रेस्ट प्लेटरी, डायरेक्ट कांट, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। आपको NDT और DT के बारे में मालूमात है? NDT नॉन डिस्ट्रैक्टिव टेस्ट। अच्छा, और DT डिस्ट्रैक्टिव टेस्ट। अच्छा, NDT टेस्ट किन किन तरीकाकार से किया जाता है? VT, RT, UT, MPT, DPT, LT। लास्ट में क्या बताया आपने? LT। अच्छा, अब जो DPT टेस्ट है इसका क्या मतलब है? ड्राई पेनिट्रेंट टेस्ट। अच्छा, इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है? पेनिट्रेंट, क्लीनर, डेवलपर। अच्छा, आपको ये तो पता होगा ये क्या है? इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड, ये क्या है? इलेक्ट्रो होल्डर। अच्छा, अब देखें कि ये अब इलेक्ट्रोड होल्डर में कौन सी डिग्री में है अब ये? 90। अच्छा, और ये अब कौन सी डिग्री में है? 45। अच्छा, और यहाँ पे कौन सी डिग्री में है? 180। अच्छा अच्छा, इसके बाद आपको ये पता है कि जो वेल्डिंग ब्लैक ग्लास है हेलमेट में जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से नंबर का होता है? 10 या 11। अच्छा अच्छा, देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर लिखा हुआ है E1718। अब E1718 हमें क्या इंडिकेट करता है? नीचे इलेक्ट्रोड 70,000 PSI, 10 साइज स्ट्रेंथ। अच्छा, 100 हाल प्रेशर, सॉरी लो हाइड्रोजन है, इसकी कोटिंग लो हाइड्रोजन है। अच्छा, ये डिसिपेटर में गर्म किया जाता है नमी खत्म करने के लिए, डिसिपेटर में गर्म किया जाता है।
अच्छा एक और क्वेश्चन है, देखिए मिग वेल्डिंग है, मिग का पता है किसे कहते हैं? मेटल इनर्ट गैस। इसमें कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? CO2 गैस। अच्छा अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड और फिलिंग वायर में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। इलेक्ट्रोड में डायरेक्ट करंट होता है, इलेक्ट्रोड फ्यूज होता है, ठीक है, और फिलिंग वायर में टंगस्टन के एक्सटर्नल फिलिंग वायर होती है। अच्छा फ्यूज होती है। अच्छा उसको इलेक्ट्रिक जो सोर्स मिलती है उसे वो एक्सटर्नली मिलती है फिलिंग वायर को, और इलेक्ट्रोड को डायरेक्ट सोर्स मिलती है। उम्मीद है आप लोगों को आज के इंट्रो सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो लास्ट में यही एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।